नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सभी गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। सर्वज्ञ और अंतर्यामी होते हुए भी उन्होंने विनीत होकर नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछे, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा उत्सव आ पहुँचा है, इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं, आप लोग मुझे यह जरूर बताइए। श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति इंद्र की यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं। जिन सामग्रियों द्वारा यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहा है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ धर्म और कामरूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह हमारी कुल परंपरा से चला रहा है। नंद बाबा की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही उसकी मृत्यु होती है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता। जब वे पूर्व संसार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल नहीं सकते तब उनसे क्या प्रयोजन। इसलिए पिताजी जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्टदेव होता है। जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। पिताजी न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गांवों, ब्राह्मणों और गोवर्धन का पूजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। कालात्मा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वे इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने कृष्ण की बात प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। कृष्ण ने जैसा यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी और गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी भेंट सामग्री खाने लगे। श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे व्रजवासियों के साथ स्वयं ही प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने प्रत्यक्ष होकर हम पर कृपा की है। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज गौ और ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन किया, फिर श्री कृष्ण के साथ व्रज में लौट आए। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।